और टीम को कई बल्लेबाज मिले जो आक्रामक खेलना चाहते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन एक सोच है विरूपाजी जो आप लेके खेलते थे, उस सोच का बल्लेबाज आपको टीम इंडिया में कोई दिख रहा है कि हाँ ये मेरे मेरी तरह सोच रहा है, ये पहली गेंद से लप्पा मारेगा? पता नहीं, मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई प्लेयर है, मतलब अगर दो प्लेयर क्लोज आए तो एक पृथ्वी शॉ है, एक ऋषभ पंत। सो ऋषभ पंत मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टेस्ट मैचेस में खेलता था थोड़ा बहुत वो उसके करीब है, बट वो क्या है कि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं 90-100 पे। सो मैं सेटिस्फाई होता था 200-250-300 पे, तो उनको अगर वो वहाँ तक लेके जाएंगे तो और ज़्यादा एंटरटेनमेंट देंगे मुझे, मुझे ऐसा लगता है। पाजी, खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी आपको कहा जाता है, आप 94 पे होते हो, लोग कहते हैं भाई धीरे से मार, सेंचुरी पूरी कर लो, लेकिन आपको मारना छक्के से ही है। तो ये जब सचिन पाजी भी कहते थे कि मेरे रुक जा सेंचुरी पूरी कर ले, तो ये जिद क्या थी? नहीं भैया मारूंगा तो यूं ही। नहीं, जिद नहीं थी कि मैंने, मुझे ये था, मैंने जैसा बताया मैं टेनिस बॉल में ना चौके छक्के गिनता था कि कितने मारने, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वही है कि कितने चौके छक्के मारने 100 तक पहुंचने के। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 90 पे पहुंच गया हूं और 100 तक पहुंचने के लिए मुझे 10 बॉलें खेलनी है, एक रन लेने की, 10 बार अपॉर्चुनिटी है मेरे आउट होने की। बट अगर 2 बॉल पर रिस्क लेके मैंने मारा तो अपॉर्चुनिटी 2 ही बार तो है, सो परसेंटेज 20% आ गया 100 से, सो 20% चांस आउट होने के, बट लेकिन सक्सेस होने के तो पूरे पूरे चांस हैं। तो वो था कि जितनी जल्दी आप 90 से निकल जाओ उतना बढ़िया है, उतना कम प्रेशर है। तो मे बी कभी कभी शायद इसलिए वो मुझे रोकते थे कि मैं आउट भी तो हुआ हूँ 90s में, कि मुझे किस्सा याद आता है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे तो मैंने 195 पर, 195 तक पहुँचने से पहले मैंने 2 छक्के लगाए कैटेज को और मैं 195 पहुँचा, तो मैंने कहा तीसरा भी मार देता हूँ, लेवनिया बॉलर है, तो मैंने फिर मारा और मैं आउट हो गया। तो 195 आउट होकर वापस आया, तो वो टेस्ट मैच हार गए हम। तो हम लोग अच्छे बोले 300 कुछ पे 2 आउट, 3 आउट थे, और फिर सडनली 336 पे ऑल आउट हो गया, 360 पे ऑल आउट हो गए, और वो टेस्ट मैच भी हार गए। तो जब मैं पाकिस्तान में पहुंचा और 100 रन तक मैंने 6-7 छक्के लगा दिए थे, तो सचिन बैटिंग करने आए, तो उन्होंने कहा कि अगर अब तूने छक्का मारा ना मैं तेरे को बैट से मारूंगा। तो मैंने कहा यार लेकिन ऐसा क्यों? तो बोले नहीं, तेरी वजह से हम लोग पिछला टेस्ट मैच आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, तूने 195 छक्का मारने हैं। तो लिटरली मैंने 110-120 के बाद से लेकर 295 तक छक्का नहीं मारा, अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे। सो 295 हो गए, तो तब मैंने उनको बोला कि नहीं यार मैं अब छक्का मारूंगा। कह रहा तू पागल हो गया, तू पहला प्लेयर बनेगा 300 रन। मैं कहा 295 भी किसी ने नहीं बनाया, मैं बन गया पहला प्लेयर। सो मैं कहा मेरे बाद जो आई है वो 281 है। तो कह रहे तू पागल, अच्छा ठीक है। तो मैंने सपोर्ट किया अगले ओवर में, सकलेन मिर्ज़ा को छक्का लगा यार 300 रन बनाए, तो मुझसे ज़्यादा वो खुश हुए सचिन तेंदुलकर। तो वो प्यार उन्होंने मुझे दिया, दिखाया मेरे लिए। वो ये चाहते थे कि यार ये खड़ा रहेगा तो पता है तेज खेलेगा, हमारी टीम के रन जल्दी बन जाएंगे, टाइम ज़्यादा मिलेगा हमें ऑल आउट करने को दूसरी टीम के लिए।